उधर मोदी के करीबी अमित शाह ने वाराणसी से मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के अजय राय पर गंभीर आरोप लगाए। चुनाव आयोग की ओर से जुबान पर लगा ताला खुलते ही अमित शाह ने बड़ा बयान दिया। बनारस से कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय पर सीधा हमला बोला, कहा उनका नाम हथियारों के कारोबार में आया है जिसकी जांच होनी चाहिए। एक चैनल ने खुफिया रिपोर्ट के हवाले से बताया था कि वाराणसी सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी श्री अजय राय का नाम AK-47 राइफलों के कारोबार के साथ जुड़ा हुआ माना गया है। मैं मांग करता हूं कि इसकी तत्काल जांच होनी चाहिए। अमित शाह को ये मालूम है कि व्यापार कहां होता है, इल्जाम किस पे वो लगा रहे हैं, पहले वो ये जवाब दें कि उन्हें ये कहां से खबर मिलती है कि व्यापार AK-47 का कहां होता है। उन पे भी बहुत सवाल हैं और वो कहीं अपनी इस कोशिश में कि किसी और को वो बदनाम करें, वो कहीं अपनी हकीकत तो नहीं बताई दे रहे हैं।